अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुसानु मेज़बान मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग। तो अज मैं मौजूद हाँ कोटली शहर एक ऐसी मुनफरिद दुकान पर जिसने विच पुराना फर्नीचर, नवा फर्नीचर, सोफे, चारपाइयाँ, हर किस्म की जी है वह चीज़ अवेलेबल है। और कोटली नहीं, मैं समझना कि एक मुनफरिद दुकान है जिसने विच पुराना फर्नीचर भी अवेलेबल है। नाजीन इस वेला असा नाल इस दुकान ने ऑनर शौकत फर्नीचर शॉप ने ऑनर तारक साहब मौजूद हैं। तारक साहब ये दसो कि ये जिहड़ी तुसां वर्कशॉप बनाई है इसने विच केड़ियां केड़ियां चीज़ां मौजूद हैं, तो जिहड़ा गरीब आदमी है इस वेले महंगाई नहीं चक्की विच पीसना उसने इस तरह तुसां कोल क्या पैकेज है? सर असा सारा जितना समान है ना असा बिल्कुल मुनासिब रेट पर देने हैं। बैड हो गए, सोफे हो गए, गद्दे हो गए, फिर चरपाइयां हो गई कि बाहर को हर चीज़ जो 5-10 हज़ार ना फर्क आ इंशाल्लाह कि जड़ा बंदा खड़ना उसकी बिल्कुल मुनासिब रेट पर जेज भी असं तैयार करके देने, सैकेंड भी नवा भी आने तो अच्छे तरीके किसी बंद ने हर बंदा साढ़े को आशना हो गया अच्छे तरीके डील करने। ये दसो कि सैकेंड हैंड फर्नीचर तुसा खरीदने भी हो? खरीदने लेकिन पंजाब चु ज्यादा आने, पंजाब चु असं इतना नहीं दें, इतना हाँ इतना ना इन्ने, लेकिन आगे जो बंदा देना तो असं लिखाने फिर उस बाद दिने समान। तो यह दसो कि लोग पिंडी जाने, गुजरात जाने, चनियोट जाने फर्नीचर आस्तै, तो असने नाजरीन की यह गल दसो कि वो तुसों कोल किस तरह तुसों कोल आवन, तो तुसों कोल केड़ी खास चीज़ है जिसनी वजह तो तुसों कोल आवन, इसने रेट्स मुनासिब हैं या क्या? रेट मुनासिब है ना फर्नीचर ना बाजारा कोल असां कोल है ना, लगा रहे 15-20 हज़ार ना फर्क आ, 10 हज़ार 15 हज़ार असां पिछे है जिहड़ा लगा वेला सेट ये हुण देण गया ते बाजारा च ना लगा रहे 80-85 हज़ार ना सेट देने, लेकिन असां नाजरीन ने तुसें ही असा इस वर्कशॉप जड़ा फर्नीचर मौजूद है ये भी दसने हैं। इसने विच डबल बैड, सिंगल बैड और ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद हैं। इसने विच नाब चारपाइयां भी मौजूद हैं, पेटियां मौजूद हैं। तो तारक इसने विच नाब ने डबल बैड फर्नीचर तुसा तकने पे हो, इसने विच बड़ी क्वालिटी वाली चीज़ा भी मौजूद हैं। ये डबल बैड, ड्रेसिंग टेबल भी तुसा तकने पे हो, सोफे भी इत्थे मौजूद हैं जनाब। इंतई मुनासिब रेट पर और कोटली शहर सराफा बाजार मिलाद चौक शौकत फर्नीचर शॉप है जनाब। तो ये डबल बैड बड़ा लकड़ी ने बनया जी, ड्रेसिंग टेबल भी असं तुसें दसने पे जनाब। तो डाइनिंग टेबल है, हर किस्म का फर्नीचर इतने निहायत मुनासिब इनराख पर मौजूद है। कोटली ने शहरियां वास्ते एक बड़ी खुशखबरी है कि इतने यूज्ड फर्नीचर भी अवेलेबल है, तो नवा फर्नीचर भी अवेलेबल है। तब ये दसो कि असने व्यूअर्स तुसें तक सन, तो काफ़ी लोग इतने आव सन, तो असने चैनल नहीं वसातन दा अगर कोई आवना तो तुसें उसकी कह इंशाल्लाह इंशाल्लाह असं उन्हें बिल्कुल रियायत देसा, जड़ी चीज़ भी उसी रियायत देसा। बाहर आप पिंडी भी जाई पुछी सकने, असने 4-5 हज़ार ना पिंडी कोलों असं महंगा देसा। कोटली ने शहरियां वास्ते क्या पैगाम देने हो तुसें अपने? कि गरीब बंदे वास्ते असं बिल्कुल मुनासिब रेट देसा, और पॉलिश आस्तै बंदा चाहिदा वै ओह भी साढ़े कोल है, रिपेयरिंग आस्तै हर चीज़ मुकम्मल है साढ़े कोल जी। नाज़रीन रिपेयरिंग इस तो अलावा ना पॉलिश और हर किस्म का जिहड़ा फर्नीचर है इत्थे अवेलेबल है। तो असां कोटली ने इशारियां की दसने कि शौकत फर्नीचर शॉप मिलाद चौक कोटली ने विच मौजूद है जनाब सराफा बाजार। तो इत्थे अचो तो इत्थे यूज फर्नीचर और नवा फर्नीचर जिहड़ा है वह तुसां आस्तै मौजूद है।